हूँ आपका भाई साई रहमानी। तो दोस्तों हाजिर हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और भाई आज की वीडियो गेमिंग रिव्यू वीडियो होने वाली है पोको X3 Pro की। स्नैपड्रैगन 860 के साथ ये पाकिस्तानी मार्केट में आया है और अंडर 45,000 के प्राइस टैग में ये वाहिद स्मार्टफोन है जो आपको ये चिपसेट ऑफर कर रहा है। तो बहुत ही तगड़ा चिपसेट है दोस्तों, खासतौर पर गेमिंग लवर्स को यहाँ पर फोकस किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों जिस मकसद के लिए, जिस टारगेट को लेकर ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है, उस टारगेट को ये पूरा करता है या फिर नहीं, हमें वो परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल पाती है नहीं जिस परफॉर्मेंस के लिए आप स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम तीन गेम्स को टेस्ट करने वाले हैं। पहली गेम हमारे पास यहाँ पर PUBG मोबाइल है, सेकंड गेम हमारे पास यहाँ पर Asphalt 9 है और थर्ड गेम हमारे पास यहाँ पर Call of Duty है। तीनों ही गेम्स दोस्तों हाई परफॉर्मेंस है, हाई ग्राफिक्स वाली हैं, देखेंगे यहाँ पर। और एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ दोस्तों, PUBG को हम यहाँ पर हाई ग्राफिक पर प्ले करने वाले हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन करने वाले हैं। तो देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान और हाई फ्रेम रेट के साथ यहाँ पर हमें कोई लैग तो नहीं देखने को मिलता, इसके अलावा मोबाइल हीटअप के इश्यूज तो नहीं यहाँ पर कोई क्रिएट करता। और इसके साथ साथ दोस्तों देखेंगे मोबाइल फ़ोन कितने मिनट की गेम में कितने परसेंट बैटरी ड्रेन करता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर PUBG को रन करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पर PUBG में ग्राफिक्स कौन से मिलते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, स्मूद है या फिर कोई फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर है, क्योंकि चिपसेट तो दोस्तों बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पर हम इसका जायरो सेंसर भी टेस्ट करने वाले हैं, देखेंगे जायरो सेंसर यहाँ पर हमें कैसी परफॉर्मेंस दे पाता है, क्योंकि मैं तो जायरो सेंसर प्लेयर नहीं हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे होंगे। बाय द वे आप लोगों में से कौन कौन दोस्तों जायरो सेंसर के साथ PUBG प्ले करता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम सिंपली सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर कौन से ग्राफिक्स इस मोबाइल फ़ोन के स्नैपड्रैगन 860 के साथ मिल जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों आपको यहाँ पर HD ग्राफिक्स के साथ हाई फ्रेम रेट मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर अल्ट्रा का ऑप्शन भी मिल रहा है, और अल्ट्रा ही नहीं आपको यहाँ पर स्ट्रीम का एक्सट्रीम का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं हमें HDR मिलता है नहीं, क्योंकि HDR जो है वो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको HDR पे भी सेम फ्रेम रेट मिल रहा है, यानी अल्ट्रा का भी ऑप्शन मौजूद है और एक्सट्रीम का भी। जबकि अगर हम बात करें अल्ट्रा HD की तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। अल्ट्रा HD का जो वर्जन है ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों अल्ट्रा HD हमारा डाउनलोड हो चुका है, देखते हैं हमें यहाँ पर कौन सा फ्रेम रेट मिल जाता है। तो आपको अल्ट्रा HD में भी दोस्तों सारे फ्रेम रेट मिल जाते हैं, यानी कि हाई फ्रेम रेट भी है और अल्ट्रा फ्रेम रेट भी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये अल्ट्रा HD भी दोस्तों बहुत बड़ा चेंज है इस प्राइस पैकेट में। पाकिस्तानी मार्केट में ये पहला स्मार्टफोन है जो आपको ये ग्राफिक्स ऑफर कर रहा है इस प्राइस पैकेट में। तो मैं इसको अल्ट्रा HD पर और इसके साथ फ्रेम भी यहाँ पर अल्ट्रा रखने वाला हूँ दोस्तों, और यहाँ पर हम इसके साथ एक गेम प्ले करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। और एक और बात दोस्तों, मैं यहाँ से इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इतनी हाई सेटिंग पर ये स्मार्टफोन हीटअप होता है या नहीं। हालांकि हम यहाँ पर हाई फ्रेम रेट पर गेम भी प्ले कर रहे होंगे और उसके साथ हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, तो देखते हैं ये जो चिपसेट है दोस्तों कैसा परफॉर्म करता है। तो मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और यहाँ से गेम भी मैंने एक स्टार्ट कर लिया है। चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो इस गेम को इंजॉय कर सकते हैं, आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। आप अपने भाई का जो है ना वो गेम प्ले चेक करें आज। मेरी फेवरेट गन दोस्तों M416 है, आप लोगों में से कौन कौन M416 के दीवाने हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स गो। Shit.
यार यूजी से इतना ज्यादा डैमेज। चारों शाने इन्होंने जीत लिया होगा यहाँ पे। काफ़ी बुरी गेम रही है दोस्तों ये, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी स्मूथ रहा है। तो एक और गेम लगाते हैं दोस्तों, और अब इसका जो है मैं वो जायरो सेंसर भी यहाँ से टेस्ट करते हैं। तो मैं इसका जायरो सेंसर दोस्तों यहां से ऑन करने लगा हूं। सेटिंग में चलते हैं सिंपली, और यहां से हम जायरो सेंसर को ऑन कर लेते हैं। ये जायरोस्कोप क्लोज है दोस्तों, इसको ऑन सॉरी स्कोप ऑन के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर लिया है। तो आप देखते हैं जायरो सेंसर वर्क कर रहा है या नहीं। तो जनाब ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है अभी के लिए, लेकिन अब ये गेम हम जायरो सेंसर से प्ले करने वाले हैं। यार हो क्या रहा है मेरे साथ यार।
हम लोगों को क्यों मार रहा है। अरे यार ये तो ज्यादती हुई है ना, हम दो रह गए और वो चार लोग हैं। मैंने अब गौर किया यार हमारे साथ हो क्या रहा है, चारों तरफ से पड़ रही थी भाई, बहुत बुरी गेमिंग परफॉर्मेंस हमारी रही है। अब इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन की हुई थी, जिसको हम यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ से मैंने इस गेम सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लिया दोस्तों। मोबाइल में हीटिंग इशूज़, अरे यार ये हीट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फ़ोन इस वक्त जो है वो बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों साइडों से हीटअप हो चुका है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से आई थिंक, क्योंकि हम यहाँ पर हाई फ्रेम रेट यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोस्तों इतना ज़्यादा हीटअप नहीं है। हीटअप कह सकते हैं आप, क्योंकि फिजिकली तौर पर आप इसको महसूस कर सकते हैं हीटअप हो चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा हीटअप नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये अब नॉर्मल है। काफ़ी ज़्यादा हीटअप ये इस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर दूसरी जो गेम है वो कॉल ऑफ ड्यूटी हमारे पास मौजूद है, इसको भी यहाँ पर टेस्ट करते हैं और यहाँ पर इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। तो भाई ये गेम भी हो चुकी है स्टार्ट। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता नहीं दोस्तों, इसलिए मुझे यहाँ पर इसका इतना कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी पता तो चल ही जाएगा गेमिंग परफॉर्मेंस मोबाइल फ़ोन के चिपसेट की कैसी है। यार मैं अपने को ही मार रहा तो भाई ये गेम ख़त्म हो गया, मुझे कुछ पता तो चला नहीं है यार इसका। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं तो मुझे बताइएगा मोबाइल की गेमिंग परफॉर्मेंस, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए, इसलिए आइंदा से हम इस गेम को यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। अब थर्ड जो गेम है हमारे पास दोस्तों वो एस्फाल्ट 9 है। ये काफ़ी मज़ेदार गेम है, इसको यहाँ से हम टेस्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार गेम है, अगर आप नहीं खेलते तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी के लिए मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है दोस्तों। अब जो हीटअप था दोस्तों वो कम हो चुका है, यानी पबजी ने यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन को घुमा के रख दिया था, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में इतना कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा है। तो एस्फाल्ट 9 दोस्तों मैंने यहाँ से रन कर ली है, देखते हैं यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी रहती है।
हर साइड पे। तो भाई हमने ये गेम जो विन कर लिया यार, ये गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी है। आप लोगों में से कौन कौन दोस्तों एसफाल 9 खेलता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, काफ़ी मज़ेदार गेम थी। तो अब दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन की ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एसफाल 9 हो, पबजी हो या फिर हो कॉल ऑफ ड्यूटी, मुझे इस मोबाइल फ़ोन में गेमिंग के दौरान कहीं पर भी किसी भी किस्म का कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिला, कोई लैग नहीं था, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस में। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप जस्ट गेमिंग के लिए इस मोबाइल फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नज़र में एक अच्छा स्मार्टफोन ऐसा हो जहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही हो, पबजी परफॉर्मेंस आपको ऐसी ही मिल रही हो, तो भाई इस प्राइस पैकेट में कोई और ऐसा स्मार्टफोन मौजूद नहीं है। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन भी आपको कैमरा परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं दे पाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये गेमिंग रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल आप लोगों को ये स्मार्टफोन कंसीडर कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।